फरहान और SPN9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सरकार ने जैसे ही NPR की घोषणा की, लगातार उसका विश्लेषण होने लगा, लगातार राजनीतिक विशेषज्ञों ने उसका विश्लेषण किया और सबने यही बताया कि NPR तो NRC का ही एक बदला हुआ रूप है। उसका विरोध लगातार होने लगा, हर राज्य सरकार करने लगी, हर राजनीतिक दल करने लगा, लेकिन सरकार ने यह कहा, सरकार क्यों कहें, हम कहते हैं अमित शाह ने जब आकर अपना इंटरव्यू दिया ANI के साथ, उन्होंने कहा कि NPR और NCR में कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन इसकी पुष्टि हो चुकी थी जब एक पत्र सामने आया, जब राज्यसभा में यह कानून लागू कर रहे थे, पत्र सामने आया, उसमें साफ लिखा हुआ था कि NRC का आधार ही NPR है, उसी के जरिए नागरिकता संशोधन विधेयक को भी पूरी तरह उसकी पुष्टि की जाएगी और पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि NPR और NRC नागरिकता संशोधन विधेयक के ही आधार हैं, इस कानून के आधार हैं। तो इस वक्त हम बात करेंगे, CPM के नेता हैं प्रकाश करात, उन्होंने एक सेमिनार के दौरान बड़ी बात कही। उन्होंने कहा जिस तरह NPR और NRC नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लगातार राज्य विरोध कर रहे हैं, यह विरोध जारी रहना चाहिए। इसके अलावा यदि 10 राज्य और विरोध करने लगते हैं तो सरकार को अपने कदम पीछे पलटने होंगे, यह कदम वह पीछे ले जाएंगे और NRC हो या नागरिकता संशोधन कानून हो या NPR का मुद्दा हो, यह बिल्कुल रद्द हो जाएगा। हम आपको एक संबंध में एक चर्चा करना आवश्यक है और हम आपको बता दें कि NPR में इस वक्त वह दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो NRC के संबंध में मांगे जा रहे थे। इससे पहले भी जनगणनाएं होती थी, कोई विरोध नहीं होता था, लेकिन NPR का विरोध इसी कारण हो रहा है कि इसमें जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वह NRC की पुष्टि कर देंगे। उससे यही खंगाला जा रहा है कि 1971 के पहले का नागरिक कौन है और कौन नहीं है। इसीलिए सभी राज्य सरकारों में जितने भी पक्षी नेता हों, विपक्षी दल के नेता हों, लगातार विरोध कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि यह विरोध खत्म होना चाहिए, संवैधानिक अधिकार छीनना चाहती है। ममता बनर्जी इस वक्त अड़ी हुई है पश्चिम बंगाल में और वह कह रही है कि यह विरोध जारी रहेगा और वह प्रदर्शनकारियों से लगातार गुहार भी कर रही है कि प्रदर्शन किसी भी तरह हिंसा में तब्दील ना हो, क्योंकि असंवैधानिक होगा और देश में हिंसा करना सही नहीं है। तो हम देखेंगे कि ममता बनर्जी की जो यह कहना है जनता से और राय दे रही हैं, वह कितनी लाभकारी होगी। और जो प्रकाश करात ने इस वक्त इस संबंध में बयान दिया है कि और भी राज्य यदि जुड़ जाते हैं तो सरकार को मजबूरन इस फैसले को वापस लेना होगा। इस संबंध में आपकी क्या राय है, आपकी राय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपका लाइक भी महत्वपूर्ण है, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।